नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ अग्रवाल और मैं आज आपको बताने वाला हूँ आज के मैच आरसीबी वर्सेस पंजाब की बहुत ज़्यादा विशेष जानकारियाँ और दोनों टीमों की पॉजिटिव साइड्स। पहले हम बात करेंगे आरसीबी की। आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आरसीबी के कप्तान हैं विराट कोहली, जो इस समय रन मशीन के नाम से जाने जाते हैं। उनके नाम आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन हैं। विराट कोहली के साथ खेलते हैं उनके वाइस कैप्टन, यानी कि आईसीबी के वाइस कैप्टन एबी डिविलियर्स, जो कि बहुत अच्छे साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज हैं। इन दोनों के नाम साथ में सबसे ज़्यादा रन हैं और इनके दोनों के नाम साथ में 200 प्लस की तीन पार्टनरशिप हैं, जो आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसे कोई भी नहीं तोड़ पाया है और आगे भी इसको टूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनके साथ इनके ओपनर हैं एरन फिंच एंड देवदूत पड्डीकल। ये एक नया नाम आया है आईएसबी की टीम में और ये आईएसबी के ऐसे पहले प्लेयर हैं जिन्होंने अपने पहले मैच में ही 50 से ज़्यादा रन मार दिए हैं और ये आईएसबी के लिए बहुत अच्छी खबर है। और एक एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था। अब आते हैं हम आईएसबी के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो हैं शिवम दुबे, जो बैटिंग और बॉलिंग में दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये आईएसबी के लिए बहुत अच्छा फिनिशर का रोल निभा सकते हैं। इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में आखिर में बहुत अच्छे रन मारे हैं और इनकी गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी है। इन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। अब आते हैं हम बॉलिंग की बात। बॉलिंग में आईएसबी के पास है युजवेंद्र चहल, जिनको फिरकी का जादूगर भी बोला जाता है, और इन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, जिसकी वजह से आईएसबी ने हैदराबाद को बड़ी आराम से हरा दिया था। अब इनके साथ हैं आईएसबी के फास्ट बॉलर डेल स्टेन, जो एक टाइम पर वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर में काउंट होते थे। अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन अभी भी आईएसबी के लिए खेलते हैं। इनके साथ एक प्लेयर है नवदीप सैनी, फास्ट बॉलिंग में इनको साथ देंगे, जिन्होंने पिछले मैच में सिर्फ 25 रन देके 2 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विकेट लिए थे आईएसबी के लिए। अब आते हैं हम पंजाब के कैप्टन है केएल राहुल, जो कि भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छे फॉर्म में हैं। उन्होंने पहले मैच में कम रन मारे, लेकिन उनसे हम यकीन नहीं कर सकते कम रन मारेंगे, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और इनका साथ देने अगर क्रिस गेल आ गए, जिन्हें यूनिवर्स बॉस कहा जाता है, तो पंजाब को जीतने से कोई नहीं हो सकता। अगर यूनिवर्स बॉस चल गए तो दूसरी टीम ढेर हो जाएगी। यूनिवर्स बॉस के नाम सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल स्कोर है T20 में, जो उन्होंने IPL में ही बनाया था, और इनसे अच्छा प्लेयर लेफ्ट हैंड बैट्समैन आज तक नहीं मिला है दुनिया को। इनके नाम T20 में भी सबसे ज़्यादा रन है। इनके साथ हम बात करते हैं पंजाब के एक और महत्वपूर्ण बैट्समैन की, जिनका नाम है मयंक अग्रवाल। इन्होंने पहले मैच में बहुत अच्छे 80 प्लस रन मारे थे और पंजाब आखिरी मोमेंट पर हार गई थी, जब आखिरी ओवर में आउट हो गए थे। फिर ना पंजाब को जीतने से कोई नहीं हो सकता। इन्होंने 2017 के नवंबर में इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में 1000 से ज़्यादा रन मारे थे सिर्फ नवंबर में, एक महीने में। अब इनके बॉलर्स की बात करते हैं। पंजाब के पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, जैसे मोहम्मद शमी और शेल्डन कॉटरेल। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए थे पिछले मैच में सिर्फ बहुत ही कम 3.75 की इकोनॉमी के साथ, और शेल्डन कॉटरेल ने सिर्फ 2 विकेट लिए थे, लेकिन वो बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। और पंजाब के स्पिनर हैं रवि बिश्नोई, जो अंडर 19 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और पंजाब के कोच हैं अनिल कुंबले, जो बहुत अच्छे लेग स्पिनर रह चुके हैं, तो उनसे पंजाब को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। पंजाब और आईएसबी का हेड टू हेड देखा जाता है, उन्होंने कितने 24 मैच हुए, अब 12 मैच पंजाब ने जीते हैं और 12 मैच आईएसबी ने जीते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा? वीडियो देखेंगे। थैंक यू।